तो वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद यहाँ पे मैं जानता हूँ कि डीमन स्लेयर फैंस का दिमाग सटक गया होगा है। बट यहाँ पे मैं डीमन स्लेयर फैंस को बोलना चाहूंगा कि बिना देखे आप लोग वीडियो में कमेंट मत करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आज तो डीमन स्लेयर फैंस वाले लफड़ा तो जरूर करेंगे। बट डीमन स्लेयर के अलावा भी आज कुछ स्पेशल एनिमे अपडेट्स भी है, इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट पर हम बात करें जो आता है रेंटर गर्लफ्रेंड के सीजन 4 को लेकर। और हाँ, यहाँ पे सीजन 4 इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेंटर गर्लफ्रेंड का सीजन 4 अनाउंस हो चुका है। और यहाँ पे सीजन 4 का जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, मैं बता दूं कि रेंटर गर्लफ्रेंड का सीजन 4 यहाँ पे 2025 में आने वाला है। और टू बी ऑनेस्ट, जब से इसका सीजन 4 अनाउंस हुआ है तब से यहाँ पे एनिमे फैंस तो खुश नहीं है। और लिटरली बहुत सारे लोग तो यही पूछ रहे हैं कि इसको कंटिन्यू किया ही क्यों जा रहा है, मतलब यहाँ पे इस एनिमे को तो अभी तक एंड ही कर देना चाहिए था। जिसपे सच कहूँ तो इस एनिमे के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि मैंने बस इसका सीजन 1 ही देखा था, फिर उसके बाद इसको ड्रॉप कर दिया था। इसलिए आप लोग के हिसाब से इस एनिमे को आगे जाके नए सीजन मिलने चाहिए या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ में इसके बाद यहाँ हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो बिल्कुल न्यू एनिमे है। और जैसे कि आप लोग याद हो गए, कल मैंने आप लोगों को चिकन वर्सेस डीमन नाम के एनिमे के बारे में बताया था। बट यहाँ पे गेस करो, यहाँ पे एनिमे इंडस्ट्री के अंदर तो लग रहा है कि अब वियर्ड वियर्ड एनिमे आने लगे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अब चिकन एनिमे के बाद अब हम लोगों को देखने को मिलने वाला है सैंटा एनिमे, क्योंकि यहाँ पे अपने बीस्टर्स मांगा के जो क्रिएटर है उनकी मांगा सीरीज जिसका नाम सैंडा है, तो उसको यहाँ पे टीवी एनिमे अडैप्टेशन मिलने वाला है, जो यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। और इस सीरीज पर आप लोग बताएं तो बता दूं कि सीरीज के अंदर बेसिकली आप लोगों को एक सेंटा क्लॉज देखने मिलेगा। और हाँ, बस अब इसी की कमी थी, अब हम लोगों को सेंटा क्लॉज भी एक्शन में देखने मिलेंगे। जिस पर आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या आप लोग इस एनिमे को देखोगे या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ में इसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि इस एनिमे के ऊपर साइंस आरो स्टूडियो काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी डैंड एंड के एनिमे को रिसेंटली एनिमेट किया है। और करेंटली इसकी रिलीज डेट तो अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, बट जैसे ही फ्यूचर में अनाउंस होगी वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए फिलहाल के लिए तो एनिमे के बारे में बात हो गई, बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने मानवा के अपडेट के बारे में। और यहाँ पे मानवा का जब भी नाम आता है तब यहाँ पे सोलो लेवलिंग हमेशा टॉप पर रहता है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे सोलो लेवलिंग के मानवा के जितने फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है, और वो ये है कि सोलो लेवलिंग की मानवा यानी वेबटून का जो सीक्वल है वो यहाँ पे अब फाइनली अनाउंस हो चुका है। और सिर्फ अनाउंस ही नहीं हुआ है, इसकी रिलीज डेट बता दी गई है, जहाँ पे सोलो लेवलिंग का जो सीक्वल है इसका नाम है सोलो लेवलिंग रैग्नारोक, उसका वेबटून यहाँ पे फाइनली शेड्यूल हो चुका है अगस्त 2024 के लिए, जहाँ पे इसके आर्टिस्ट का नाम होगा जिन और इसके स्टूडियो का नाम होगा रेडिस, जहाँ पे बेसिकली आप लोगों को संग जिन वू के बेटे की स्टोरी दिखाई जाएगी। मतलब हाँ, आप लोग इसको सोलो लेवलिंग के बोरूटो सीरीज मान सकते हो। और यहाँ पे अगस्त से सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का जो मानवा है वो यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा, जहाँ पे देखा जाए तो इसका जो वेब नॉवल आया है उसके अंदर ऑलरेडी 242 चैप्टर्स है। और जहाँ तक वेबटून के बारे में बात करें तो इतने चैप्टर्स के साथ ये लोग 2 सीजन तो आराम से निकाल सकते हैं, जो मैं होप करूंगा कि सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की जो वेबटून है वो अच्छी खासी चले। अब वैसे सोलो लेवलिंग के मानवा के फैंस तो काफी ज्यादा खुश हो ही गए होंगे, बट यहाँ पे चलो मांगा के अपडेट बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे भी मांगा में भी सबसे ज्यादा कौन सी मांगा ट्रेंडिंग चल रही है वो तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जीजेके की मांगा के बारे में, जहाँ पे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जीजेके की मांगा के अंदर अभी शिंजुकु शोडाउन आर्क चल रहा है। बट क्या आप लोग जानते हो कि जो आर्क चल रहा है जीजेके के अंदर वो एक्चुअली में जीजेके का फाइनल आर्क है, और ये बात अपने अकुतामी गीगे जो है वो यहाँ पे अपने रिसेंट Q&A वाले सेशन में बोली थी, जहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि जीजेके के अंदर अभी जो आर्क चल रहा है वही फाइनल आर्क है। और फाइनल आर्क का मतलब ये है कि इसका मतलब जीजेके मांगा भी अब इस आर्क के बाद एंड हो जाएगी। और यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ जीजेके मांगा ही एंड नहीं हुई है, एडन जीरो की मांगा एंड हो गई, माहिर एकेडमी की मांगा भी बहुत जल्द एंड हो जाएगी। साथ में इसके अलावा गीगे ने ये भी बोला था कि जीजेके की मांगा यहाँ पे 2024 में एंड होगी, तो यहाँ पे हो सकता है कि अब फाइनल आर्क इसी साल एंड हो जाए। अब ऐसे में आप लोग से झूठ तो नहीं बोलना चाहूंगा, बट यहाँ पे मैंने जीजेके की मांगा को ड्रॉप कर दिया है, इसलिए यहाँ पे जीजेके की मांगा के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं उससे एक्चुअली मुझे कुछ खास मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैं गीगे को एक ही चीज कहूंगा कि जो सुकुना की फाइट चल रही है, जो लिटरली 1 साल से चल रही है, ये फाइट को अब यहाँ पर एंड करे, क्योंकि इतनी लंबी फाइट देखना बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। और पहले मेरा एक सवाल है कि सुकुना के अंदर कितनी ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना है जो ये बंदा 1 साल से लिटरली लड़ते ही जा रहा है मांगा के अंदर। सच कहूं तो यार मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुकुना की जो ड्यूरेबिलिटी है वो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट से बनी है, जो टूटती ही नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से गीगे उतामी को इंग्लिश स्पेनिश बोलकर यहाँ पे इस सीरीज को खत्म करना चाहिए, जिस पर हाँ यहाँ पे सीरियसली मत लेना, बस मजाक की तरह ही लेना। लेकिन जीजेके की मांगा अभी जैसी चल रही है इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ में यहाँ पे मांगा मानवा ये सब के बारे में तो बात हो गई, बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ हिंदी डब एनिमेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे फाइनली देख के लगता है कि मेरी बात यहाँ पे क्रंचीरोल वालों ने सुन ली है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने अभी बात किया था कि हाइकू ब्लू लॉक इन सब के आगे के एपिसोड्स क्रंचीरोल वाले हिंदी डब में नहीं लाते हैं। और यहाँ पे देख के लगता है क्रंचीरोल वालों ने मेरी बात को सीरियसली ले लिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हाइकू एनिमे का जो सीजन 1 था उसका सिर्फ कोर 1 यानी 1 से लेकर 13 एपिसोड्स तक ही सिर्फ रीजनल डब में अवेलेबल थे। बट यहाँ पे फाइनली हाइकू सीजन 1 का जो कोर 2 है वो यहाँ पे अब रीजनल डब के साथ
साथ क्रंचरोल पर स्ट्रीम हो रहा है, और इसका मतलब यह है कि सीजन 1 के अब सारे एपिसोड्स आप लोग अब डब में देख सकते हो। और अब यहाँ पे मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोग क्या पूछेंगे कि इसका सीजन 2 हिंदी डब में कब आएगा, तो देखो उसके लिए पहले सीजन 1 को सपोर्ट करो। और सीजन 1 की डबिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग सपोर्ट करो, नहीं अच्छी लगती तो मत करो। लेकिन अगर आप लोगों को आगे के एपिसोड्स डब में चाहिए तो आप लोगों को सपोर्ट तो करना ही होगा। लेकिन हाइकू एनिमे के अलावा यहाँ पर हम लोग बात करें पोकेमोन एनिमे के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीज की जो सीरीज है जो पोकेमोन एशिया ऑफिशियल हिंदी चैनल पर अभी आ रही है, तो यहाँ पे अपने ऐश की जो लास्ट जर्नी के कुछ बचे हुए एपिसोड्स है वो यहाँ पे 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक रेगुलरली दिखाए जाएंगे उनके चैनल पर, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग ऐश को टाटा गुड बाय कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाए और यहाँ पे हम लोग बात करें अब पोकेमोन एक्स एंड वाई जी के बारे में, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि पोकेमोन एक्स वाई जी की जो सीरीज है वो यहाँ पे अभी हिंदी डब के साथ सुपर हंगामा पर आ रही है, और यहाँ पे कल ही उसका फाइनल एपिसोड भी आया था, जहाँ पे सच कहूँ तो जिस चीज का डर था वो ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिज्नी इंडिया वालों ने जो पोकेमोन एक्स वाई जी का जो लास्ट एपिसोड का सबसे आइकॉनिक वाला सीन था, और या फिर यूं कहूँ पोकेमोन एक्स वाई जी के लिए जो लोग इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे वो लिटरली लास्ट एपिसोड के सीन को देखने के लिए कितने ज्यादा ही एक्साइट थे। बट यहाँ पे डिज्नी इंडिया वालों ने क्या किया, उस पूरे सीन को ही काट दिया है, और वो छोटा मोटा कट नहीं किया गया है, पूरा सीन ही उड़ा दिया है। जहाँ पे मेरा एक ही सवाल है डिज्नी इंडिया से कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया यार, ऐसे करने की क्या जरूरत थी। मतलब यहाँ पे मैं जानता हूँ कि ये किड्स चैनल पर आ रहा है, बट यहाँ पे सुपर हंगामा को वैसे भी कोई देखता नहीं है, इसलिए आप मेरे हिसाब से इतनी सेंसरशिप करने की जरूरत नहीं है। आई मीन सीरियसली यहाँ पे ऐसा सरीना वाला जो किस वाला सीन था वो एक्चुअली में इसके रियल वर्जन के अंदर भी ढंग से नहीं दिखाया गया था। यहाँ पे जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये कुछ इसी तरीके से दिखाया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिज्नी इंडिया वाले नहीं माने और उन्होंने सीन को ही काट दिया। जो चलो हाँ, हम लोग जानते हैं कि डिज्नी इंडिया वालों की सेंसरशिप बहुत बेकार है, बट सच कहूँ तो यार बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली में पोकेमोन का बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था, और यहाँ पे इतने खूबसूरत मोमेंट को डिज्नी इंडिया वालों ने बर्बाद कर दिया है, जिससे हाँ डिज्नी इंडिया को मैं हमेशा हेट करूंगा इस चीज को लेकर। लेकिन इसके अलावा एक्स वाई जी के लास्ट एपिसोड को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। अब वैसे ये तो कुछ छोटे मोटे हिंदी डब एनिमेस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऐसी न्यूज के बारे में जिसको आप लोगों ने थंबनेल में ही देख के पता लगा लिया होगा, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट मूवी के बारे में, जिसकी रिलीज डेट तो पीवीआर वालों ने अभी रिसेंटली अनाउंस की थी, और उन्होंने कहा था कि मूवी 19 जुलाई को इंडियन सिनेमाज में लगेगी। लेकिन यहाँ पे लोगों का सवाल है कि क्या ये मूवी हिंदी डब में लगेगी या नहीं, तो देखो यहाँ पे ये मूवी हिंदी डब के साथ रिलीज नहीं होगी, बट हाँ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक अच्छी न्यूज दे सकता हूँ। और वैसे सच कहूँ तो मैं हिंदी डब लीक के बारे में बात करना पसंद तो नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट के ऊपर बात करने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन स्टिल आप लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड थी इसलिए यहाँ पे आज मैं आप लोगों को एक हिंदी डब लीक दे रहा हूँ, और वो लीक ये है कि स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट की मूवी को मिलने वाला है हिंदी डब। और हाँ यहाँ पे जिस चीज की आप लोग डिमांड कर रहे थे वो चीज अब सच हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अपने स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट मूवी को भी हिंदी डब मिलेगा। जहाँ पे आप लोग सवाल होगा कि इस मूवी को डब कौन कर रहा है, क्या ये मूवी थिएटर में लगेगी या नहीं, तो देखो पहली बात मैं बता देता हूँ कि ये हिंदी डब जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हो रहा है, और डिजिटली इस मूवी को बस एक ही प्लेटफॉर्म डब कर सकता है, वो है यहाँ पे म्यूज इंडिया। यहाँ पे बेसिकली म्यूज कम्युनिकेशन ही स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट मूवी को डब कर रहा है, और यहाँ पे आप लोग स्प्रेड मत करना है कि यूट्यूब के ऊपर आएगा, वो लोग इसको यूट्यूब के ऊपर रिलीज नहीं करेंगे, प्रोबेबली ये लोग क्रंची रोल एनिमे टाइम्स वगैरह पर रिलीज करेंगे। वैसे आप मैंने आप लोगों को एक हिंदी डब लीक्स दी है, तो आप लोग ये मत पूछना कि ये कब तक आएगा, क्योंकि यही चीज मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगती है हिंदी डब लीक्स की, क्योंकि हम लोग सिर्फ डबिंग के अपडेट दे देते हैं लेकिन यहाँ पे रिलीज डेट किसी को पता नहीं होती है, और वही सेम चीज इसमें भी है। यहाँ पे रिलीज कब तक होगा वो तो प्लेटफॉर्म वालों के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशली न्यूज इंडिया वाले कभी कभी बहुत ज्यादा लेट भी करते हैं, इसलिए जब इसका हिंदी डब आएगा तो मैं आप लोग बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट मूवी को हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में आके जरूर बता देना। साथ में यहाँ पे हिंदी डब एनिमे फैंस इस न्यूज को सुनने के बाद तो काफी ज्यादा खुश हो गए होंगे, लेकिन चलो अब नरूटो फैंस को भी थोड़ा सा खुश कर दिया जाए, और यहाँ पे जितने भी नरूटो फैंस है वो सब खुश हो जाओ, क्योंकि क्या आप लोग बताए कि यहाँ पे नरूटो का कोलैबोरेशन होने वाला है गेम के साथ, और यहाँ पे ये गेम कोई ऐसा वैसा गेम नहीं है, यहाँ पे इस गेम का नाम है फ्री फायर, और हाँ फ्री फायर वही गेम जिसने अभी रिसेंटली शायद डीमन स्लेयर के साथ भी कोलैबोरेशन किया था, और अब यहाँ पे डीमन स्लेयर के बाद अब फ्री फायर इंडिया ने यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया है, और उन्होंने कह दिया है कि फ्री फायर मैक्स का अगला कोलैबोरेशन होने वाला है नरूटो शिपुडेन, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो कोलैब होने वाला है इन दोनों के बीच में ये यहाँ पे अर्ली 2025 में आप लोगों को देखने मिलेगा, जो कि यहाँ पे जितने भी नरूटो फैंस और फ्री फायर फैंस है उनके लिए तो काफी अच्छी न्यूज है। और टू बी ऑनेस्ट मैं तो इस गेम को खेलता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बट मेरा 7 साल का एक छोटा भाई है जो इस गेम को बहुत ज्यादा खेलता है, और वो यहाँ पे नरूटो के इस इवेंट के लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए आप लोग भी नरूटो और फ्री फायर के इस कोलैबोरेशन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना है। अब ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे अब तक मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज एनिमे फैंस को दी है, जिससे यहाँ पे काफी सारे एनिमे फैंस ऑलरेडी खुश हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे आज एक फैंडम है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज होने वाला है, और यहाँ पे ये फैंडम और कोई नहीं डीमन स्लेयर का फैंडम है, क्योंकि यहाँ पे डीमन स्लेयर के फैंडम के साथ गद्दारी हो चुकी है, और वो गद्दारी और किसी ने नहीं आईजीएन ने की है, क्योंकि आप लोग पता है कि आईजीएन वाले हमेशा ही एनिमे को रिव्यू करते रहते हैं, बट अब बारी
आती है डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा सीजन 4 के बारे में, जिसपे लोगों की बस एक ही नजर है कि डीमन स्लेयर सीजन 4 को कितनी रेटिंग मिलेगी। और सच कहूं तो इस रेटिंग को देखने बाद यहाँ पे काफी सारे फैंस नाराज हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक्चुअली में आइजन वालों ने डीमन स्लेयर सीजन 4 को 3/10 की रेटिंग दी है। और साफ तौर पर कहूं तो इन्होंने बस ये कह दिया है कि जो इसका सीजन 4 है वो ट्रैश है। आई मीन सीरियसली व्हाट द हेक इज दिस। मतलब सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आइजन वाले इतनी बुरी रेटिंग यहाँ पे डीमन स्लेयर सीजन 4 को क्यों दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने भी डीमन स्लेयर सीजन 4 का रिव्यू किया था और लोग तो फिर मेरे ऊपर ही नाराज हो गए थे क्योंकि मैंने डीमन स्लेयर सीजन 4 को बिलो एवरेज कह दिया था। बट देखा जाए तो यहाँ पे मुझसे बुरा रिव्यू तो यहाँ पे आइजन वालों ने किया है, जहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ 3/10 की रेटिंग दी है, जहाँ पे मैंने डीमन स्लेयर के हिंदी डब को तो 5/10 की रेटिंग दी थी। और यहाँ पे लोग इससे भी कम रेटिंग दे रहे हैं, जिससे यहाँ पता चलता है कि सीजन 4 इन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं आया है। और यहाँ पे ये वही आइजन है जिन्होंने यहाँ पे जुजुत्सु काइसन को 6/10 की रेटिंग दी थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो शी हल्क नाम का शो था मार्वल का, वो यहाँ पे सभी मार्वल फैंस को रत्ती भरी पसंद नहीं आता है, बट यहाँ पे आइजन वालों ने उसको कैसी रेटिंग दी, 8/10 की रेटिंग, जिससे यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे कितना ज्यादा गोलमाल चल रहा है। क्योंकि डेफिनेटली डीमन स्लेयर सीजन 4 जो है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, बट स्टिल यहाँ पे 3/10 की रेटिंग देना बहुत ज्यादा बेकार है। कम से कम 5 या फिर 6 की तो रेटिंग देनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल यहाँ पे देख लगता है कि आइजन वालों को लफड़ा करने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है। इसलिए डीमन स्लेयर सीजन 4 के फैंस, आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या डीमन स्लेयर का जो सीजन 4 है वो सच में ट्रैश है? क्या सच में डीमन स्लेयर सीजन 4 को इतनी रेटिंग मिलनी चाहिए थी? आप लोग हिसाब से सीजन 4 को आप लोग कितनी रेटिंग दोगे, वो सब आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे मैंने लगभग सभी एनिमे फैंस को खुश कर दिया था, बट यहाँ पे बस डीमन स्लेयर फैंस को थोड़ी सी बुरी न्यूज मिल गई है, इसलिए अब इन सब चीजों को साइड में रखे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।